बेगम अकबर जहां पूर्व सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेत्री। आज उनकी पुण्यतिथि पर गांव दोलिया जट्टा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता श्याम लाल मेहरा ने उन्हें फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो लोगों के साथ रही है। अपने समय में जब वह सांसद थी, पार्टी नेता थी, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया और हमेशा से ही गरीबों की मदद करती आई हैं। आज उन्हें जो है वो याद किया जा रहा है। मायसेल्फ श्यामलाल मेहरा द वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल जोन जम्मू सांबा कठुआ JKNC पार्टी। मैं पंचायत हल्का मुकंदपुर चौधरियां का जहाँ का चेयरमैन भी हूँ, मौजूदा जुडिशियल और वार्ड नंबर 7 का मेंबर भी। तो जना वाला आज हम मानेवर जनाब अकबर जहां मादरे मेहरबान जी की डेथ एनिवर्सरी का समारोह चल रहा है। मेरे गांव की तकरीबन महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो हैं, पढ़ी लिखी जो कॉलेज में पढ़ रही हैं वो आई हुई हैं। ग्यारह अप्रैल 2000 में मादर मेहरबान जी की डेथ हुई थी और मादर मेहरबान जी एक बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी विद्वान जी, काफ़ी दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। जब जनाब हाँ ये चेयरमैन रही है जनाब शेख साहब जी, जब 22 साल की जेल चले गए तो मादर मेहरबान जी ने उनके बाद जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने दिल से लगा रखा। गाह बगाह उनसे घर घर जाकर के वो मिलती रहीं और उन्होंने कोई भी पार्टी के अंदर फ़र्क नहीं आने दिया। गाह बगाह वो जनाब मान्यवर शेख अब्दुल्ला से जेल में मिलती थी और उनका मिलने से शेख साहब का हौसला जो था वो बुलंद हुआ। तो जनाब वाला कई बार जनाब मेहरबान जी गरीबों, नसीबियों, दलित और पछवंदा लोगों के घरों में और महलों में जाकर के उनकी रहनुमाई करती थी। तो जनाब वाला ये मान्यवर जनाब शेख अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा अहम काम किया है। ये जो गरीब किसान थे को लैंड टू टेलर उन्होंने कानून बनाया और गरीब लोगों को उन्होंने ज़मीनें दी और ज़मीनों का मालिक बनाया। जो काश्त करता था वही मालिक। तो आज मैं माता बहनों से व बच्चियों से ये कह देना चाहता हूँ कि जो ज़मीन आप काश्त कर रहे हैं इस समय वो जनाब शेख अब्दुल्ला साहब ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही दी है, जनाब फरूख अब्दुल्ला साहब ने ही दी है। तो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब मान्यवर मुख्यमंत्री, सबका मुख्यमंत्री ने जिला, सब जिला, तहसील व ब्लॉक और ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहाड़ी एरिए से, दूर दराज से लोग जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट सांबा में, पहाड़ों से उतर करके वो अपने तहसीलों में, डिस्ट्रिक्टों में आते थे। तो जनाब मान्यवर उमर साहब ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है।
कि लोगों का 30-40 किलोमीटर आना मात्र 10 किलोमीटर में कर दिया, उनके नज़दीक में ही कहीं तहसील कहीं डिस्ट्रिक्ट का बनना तय हो गया है। तो जनावाला उम्र साहब ने और भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मान्यवर जनाब अजय सल्होत्रा जी सबका मंत्री, सबका कैबिनेट मिनिस्टर कबीना के रहे हैं और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर, मैं उनको भी मार्क दूंगा कि उन्होंने इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मैं उनको सारा दिन सारी रात मैं सराहना करते रहूँ, काम को गिनता रहूँ पूरा नहीं होता। मरदा त्रयाल जम्मू एरिए में वो कभी हारे नहीं, वो हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते रहे। तो जनावाला उन लोगों की ये पहचान थी, जैसे मेरा हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन लोगों को पता होना चाहिए कि मारा अगर कैंडिडेट हीरानगर का श्यामलाल मेहरा आ गया तो इन लोगों को तहैया कर लेना चाहिए, इनके अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम सब लोगों को छोड़ करके श्यामलाल मेहरा को वोट दे करके MLA जाएं। तो हमें ऊपर से डायरेक्शन है कि आप एक दफ़ा जीत के आओ, देखो आगे बनता है क्या। तो लिहाजा मैं माता बहनों से बुजुर्गों से यही अपील करूंगा कि वोट आने पर वोट की खराबी मत करना। अगर श्यामलाल मेहरा आपके प्रति, जनाब डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला ने मेरे पर मेहरबान हुए, तो आपका काम है वोट ड्राफ्ट करना। तो लिहाजा जनाब बाबू रामपाल जी सबका मिनिस्टर, सेंटर जोन के प्रधान जम्मू सांबा कठुआ, गरीबों की रीढ़ की हड्डी व गरीब दलित पिछवंदा झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के ये मसीहा हैं, लोग उनको मसीहा मानते हैं। बाबू रामपाल जी रतन लाल गुप्ता प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं, एडवोकेट हैं और सबका MLC भी हैं, इस समय प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी मुआफ़ी देता हूँ इस मौके पर कि आपका काम जो है सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है और आप जहाँ भी जाते हैं लोग जो हैं वो आपके सुनने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिहाजा लास्ट में मैं एक जनाब को थोड़ा सा एक शेर से अंदाज करूँगा। तो जनावला मैं फिर माधुर मेहरबान जी को मैं श्रद्धांजलि पेश करूँगा, ये मेरी श्रद्धांजलि है, ये उनको पहुँचे और हम पर कृपा करें, मेहरबान करें। तो जनावला सबसे पहले मैं डिमांड बताऊँगा विली धोली जटा की, हमारे विली धोली जटा में ऊपर वाला महल्ला राम मूर्ति महल्ला, ओम प्रकाश का महल्ला, वहाँ पर पानी नहीं है, लोग 1 किलोमीटर से जाकर के पानी ला रहे हैं। तो जनावला पाइपें लगी हुई हैं, वो ऊपर से जो वो तोड़ी है नीचे पाइपें रखी हैं वो भी आज तक प्लस्तर नहीं हुई, लोग बेचारे दरबदार हो रहे हैं पानी के लिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जो महकमा पाइप लगा रहा है वो जल्दी जल्दी पानी को संचारू करे ताकि लोग जो है अपने घरों में पानी पी सकें। तो जनावला आओ आओ झुक कर करें सलाम उन्हें, आओ झुक कर करें सलाम उन्हें, जिनके हिस्से में मुकाम आता है, खुश नसीब हैं वो, खून जिनका वतन पर काम आता है। धन्यवाद।